टीकमगढ़ में भी बाबा का वही चिरपरिचित अंदाज देखने को मिला जिसके लिए बाबा विख्यात है। भीड़ से ही एक महिला की पर्ची निकाली और उसको बुलाया बाबा। एक व्यक्ति अपने छोटी बहन की अर्जी लेकर आया जिसे बाबा ने पढ़ा और समाधान किया। जिस तरह से बाबा भक्तों का समाधान बताते हैं, बाबा के उसी अंदाज को देखकर दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हजारों लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए और अपने समाधान के लिए इकट्ठा होती है। कोई देश से आता है, कोई विदेश से आता है। समस्या भले ही लोगों की अपनी हो, मगर समाधान और विश्वास बाबा के ही दरबार में लोगों को है। हनुमान जी की कृपा है और श्री रामचंद्र जी राजा की कृपा है तो हमारी सुनेंगे। नहीं, आपको विश्वास नहीं है, ये तो चमत्कार, ईश्वर ही चमत्कार है। ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति महाराज जी के माध्यम से वो प्रकट हुई। ईश्वरीय शक्ति है, शक्ति तो है, उसमें हमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है और अंधविश्वास भी नहीं बोलेंगे। जिन्हें जो लोग तकलीफ में होते हैं उनके लिए चमत्कार साबित हो रहा है। प्रेम विवाह की रुकावट दूर करते हैं बाबा। बाबा के पास है लव मैरिज कराने का फॉर्मूला। लोग शारीरिक समस्याओं से लेकर के घर के क्लेश तक और भूत भगाने के लिए भी बाबा के पास आते हैं, जिसका दावा वो करते हैं। उनके भक्तों का जो भरोसा है उनमें अटूट है और ये दिखाई भी देता है। आज आप इसके उलट पहली बार देखेंगे कि बाबा प्रेमी जोड़ों को मिलवाने की शक्ति का भी दावा करते हैं और खुद भक्त से कहते हैं कि आपको मैं मिलाऊंगा।